Hello. Hello. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम। गाइस, आज है 4th मई वेनसडे और अभी बज रहे सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं आज तंबाव से निकल रहा हूँ वोरोनस के लिए। तो अभी टूर स्टार्ट हुआ है क्योंकि अभी देखने का मौसम बहुत अच्छा है। तो चलिए आज चलते हैं अपन वोरोनस में दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैं तंबाव में हूँ, बस स्टॉप पर आया हूँ और मेरा जो टिकट है वो आया है 750 के आसपास का कुछ तो टिकट है और अभी 7 बजे का है, मैं 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो गाइस चलो चलते हैं वोरोनस, दिखाते हैं आपको मैं वोरोनस। ओके, तो गाइस अभी बस है, ये वाली बस जाएगी देखो वोरोनस में। और टिकट अभी मेरा जो टिकट था 750 का नहीं, 790 का टिकट था। और अभी पासपोर्ट चेक करने के बाद में अंदर बिठाएंगे। मेरी सीट नंबर 5 है, अभी रवाना होने वाली है 2 मिनट बाद में। ओके, तो चलते हैं वोरोनस। मैं अभी वोरोनस पहुंच गया हूं और ये मुझे मिले हैं, ये उज्बेकिस्तान से हैं और ये इंडिया के बारे में जानते हैं। ये बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा है, वहाँ पे सब बहुत खूबसूरत है और समुद्र है वहाँ पे और एक्टर बहुत अच्छे है। कोई एक्टर भी नाराज था। सो गाइस, मैं हूँ अभी वोरोनस के अंदर पहुँच चुका हूँ मैं और ये देखो वोरोनस की बिल्डिंग है। अभी एक मेरी नॉन है जिसका पहले तो कैंसिल हो गया था मिलना उसका, क्योंकि वो आज बाहर थी और फाइनली वो सुबह आ गई मॉर्निंग में। अभी मेरे को उसके पास जाना है तो उसने एड्रेस दिया है, उस एड्रेस में मैं निकलूँगा। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी बाहर ट्रैफिक है ज़्यादा। ये देखो मैं अभी उस एड्रेस से, जिस एड्रेस पर दिया है उस एड्रेस पर जाके उससे मिलते हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर करा देगी। उसके बाद शाम को मेरी ट्रेन है रस्तों के लिए, तो मैं नाम है सिटी का रस्तोवो डॉन, वहाँ पे मैं निकलूँगा शाम को। अभी मैं उससे मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वोरोनस। ओके, लेट्स गो गाइस। अभी मेरे को ना एड्रेस नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आता, तो ये स्वेतलाना है, इसने मेरी हेल्प करी जैसे मैंने इससे पूछा, तो यहाँ पे हेल्पिंग नेचर है। थैंक यू वेरी मच। सो अभी मेरे को उस तरफ जाना है, उस तरफ जाऊंगा मैं, इस जो पाथ से, इस पाथ से उस तरफ जाके मेरे को बस लेनी है। उस बस से बैठ के मैं सीधा, मैं टैक्सी से भी जा सकता हूँ बट मेरे को यहाँ की बस वगैरह का जो पूरा फीलिंग लेना है यहाँ पे, तो मैं भी जाता हूँ। चलो देखते हैं आगे कैसा बस होता है वहाँ पे। ओके, कितने पैसे लगते हैं एक्चुअली बस में यहाँ पे ट्रैवल, क्योंकि तंबो में तो 20 रुपये लगते हैं अगर कार्ड से पेमेंट देते हैं और बिना कार्ड के देते तो 23 लगते हैं। बस मेरे को उस तरफ जाना है, देखो वो जो है ना उस तरफ बस लग रही है देखो वहाँ पे। तो अभी मैंने देखा है यहाँ पे कुछ तो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो आइए चलो इनका सेलिब्रेशन भी देखते हैं। अच्छा हुआ कि मैं इधर आया, मैं एक्चुअली गलत बस में बैठ गया था गलती से, तो अच्छा हुआ मैं उधर बैठ गया क्योंकि यहाँ पर भी मैं उतरा तो मैंने देखा कि इनका कुछ तो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो मैं आपको वो सेलिब्रेशन दिखाता हूँ। देखो अभी चलते हैं, देखो कुछ तो बहुत अच्छा ये सेलिब्रेट कर रहा है, सज रहे दज रहे।
इनका विक्ट्री डे आने वाला है 9 तारीख को, इसलिए शायद ये ऐसा कर रहे हैं। और बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत। देखो सबके अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग केप है, और यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, और ये छोटे बच्चे अच्छे ड्रेस के अंदर है और काफी अच्छा लग रहा है ये देख के। देखो बहुत खूबसूरत है। ये है वो जो जिसके लिए ये सब कुछ, मतलब विक्ट्री डे आने वाला है ना, उसके लिए शायद ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ यहाँ पे। और ये पूरी लाइन लगी, मैंने आपको भी पूरा दिखाया, और मेरा जो क्रॉसिंग ऑर्डर था पीछे छूट गया, पर मैं इसको दिखाने के लिए आगे आ गया। और वहाँ पे जैसे अमर जवान ज्योति की जैसे एक ज्योति जल रही है, जो मतलब सारे दिन हमेशा वहाँ पे आग जली हुई रहती है। और ये जो विक्ट्री डे के ऊपर है कि जब कैसे इन्होंने जीता था, जब वर्ल्ड वॉर के अंदर, उसके ऊपर ये वर्ल्ड वॉर कैसे जीता था, तो ये है वो जो पूरे इस मोन्यूमेंट बना हुआ है। ऊपर से यहाँ पे भी परेड वगैरह होने वाली है शायद, और परेड का ही वेट कर रहे हैं सब, तो शायद परेड होगी यहाँ पे। हाँ परेड होगी, उसकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जब 9 तारीख आएगी तो इनका विक्ट्री डे है, तो उस दिन ये परेड करेंगे। वो बहुत बड़ा डे होता है, जैसे अपना इंडिपेंडेंस डे होता है, वैसे यहाँ पे विक्ट्री डे होता है वो। ओके, और मेरे को उस तरफ जाना है एक्चुअली, कितना शायद ये लंबा टाइम लेंगे, ये शायद लंबा टाइम लेंगे, तो चलते हैं। क्योंकि सो गाइस देखो, ये है वो वोरोनस की यूनिवर्सिटी, वोरोनस स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, तो मैं यहाँ आया तो मैं आपको एक बात बता दूँ जो मेरे साथ इंसिडेंट हो रहे हैं। जो भी वोरोनस आ रहा है, जैसे क्या डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, जैसे तंबू में ये होता है कि पीछे के गेट से चढ़ते हैं और आगे से उतरते हैं, ठीक है, मेरे को रोड क्रॉस करनी है, पीछे के गेट से चढ़ते हैं आगे से उतरते हैं, तो पैसे देते हुए उतरते हैं उसमें। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अलग सिस्टम है, यहाँ पे आगे से चढ़ना है, चढ़ने के टाइम पे ही पैसा देना है, और पीछे के गेट से उतरना है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है। तो जो भी अगर ट्रेवल कर रहा है ना रशिया में, ये एक बार सोच लेना बस में बैठने से पहले कि कहाँ से कैसे बैठना है, क्योंकि मेरे को 2 बार ये मेरे से गलती हो गई अभी, तो अभी आगे से मेरे को ध्यान रखना है कि आगे से बैठना है, और आगे से पहले पैसे दे के फिर पीछे के गेट से उतरना है उतरते टाइम पर। और तंबू में जहाँ पर, वहाँ पर ऐसा होता है कि पीछे के गेट से आप चढ़ो और आगे पैसे दे के उतरो, वहाँ पे ये होता है। तो देखो ये है जो वोरोनस की यूनिवर्सिटी है, यहीं पे मेरे को बुलाया था, तो अभी जैसे वो आती हैं तो मैं मिलता हूँ। मैं देखो बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे इस जगह मेरे को बुलाया था, और देखो ये बैठने की जगह, बहुत अच्छी जगह है ये, सच में बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे लोग आप बैठे भी हैं, और अभी गर्मी भी नहीं है इतनी, मैं भी मेरा जैकेट खोलने का सोच रहा था, बट हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी,